टू माय यूट्यूब चैनल द किचन स्टोरी। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक रेसिपी बता रही हूँ, गजरेला, जो आजकल गाजर का मौसम है। ये मैं बिना दूध के आपको बना के दिखाऊंगी, जो दूध वाले गजरेले से बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। मैंने एक बाउल गाजर क्रश की है, ऐसे ये मैंने पैन में डाल दी है। फ्लेम मैंने स्लो रखी हुई है अभी। उसके बाद हमने एक बाउल मैंने गाजर क्रश ली है और उसके बाद मैंने हाफ कटोरी मलाई ली है। इसका ये दूध बन जाएगा और उसका ही घी बन जाएगा, जिससे ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा और हमें एक्स्ट्रा घी डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने दोनों चीजें मिक्स कर ली हैं और साथ में ही मैंने हाफ कटोरी शुगर डाली है, हाफ कटोरी मलाई और हाफ कटोरी शुगर। इन तीनों चीजों को मिक्स करके मैं इसको स्लो फ्लेम पे ढककर 10 मिनट के लिए रख दूंगी। आप बीच बीच में चलाते भी रहे ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखो मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको रखा था। ये सारा लिक्विड बन गया है चीनी और मलाई का। अब हम फ्लेम को हम तेज कर लेंगे और इसको भूनेंगे जब तक ये मलाई हमारी घी ना छोड़ दे। हमारा गजरेला बनकर रेडी हो गया है। ये देखो मलाई ने घी छोड़ दिया है, ये इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट बना है और इसका कलर भी बिल्कुल रेड है। दूध वाले गजरेले से इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो हमारे गजरेले का कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल रेडिश पे बना है ये। ये मेरी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।